हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें 2 कप नारियल का बुरादा डालेंगे और 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। गैस को धीमी ही रखना है। हम गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, वरना ये बुरादा गोल्डन ब्राउन हो सकता है। और हमें इसे एकदम व्हाइट ही रखना है। बस अच्छी सी महक आने तक ही रोस्ट करना है। ध्यान रहे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, वरना नीचे का बुरादा जल सकता है। अच्छी सी महक आ गई है। अब इसमें 1 कप दूध डालेंगे और मिला लेंगे। अगर दूध डालने के बाद मिक्सचर एक सा ना हो और खुला खुला लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर एक सा हो गया है। अब इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ध्यान रहे पूरी रेसिपी बनाते टाइम गैस को कम ही रखना है, वरना ये जल सकता है। अब चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए चीनी अच्छे से मिल गई है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मिक्सचर एक सा हो गया है, इसका मतलब मिक्सचर तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है, हम इसको ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अब इसके लड्डू बना लेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसे लड्डू की शेप देंगे। अब इसे नारियल के बुरादे से कोट कर लेंगे। नारियल का लड्डू बन गया है। इसी तरीके से बाकी लड्डू भी बना लेंगे। नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे होली पर गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। ये काफी कम समय में तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।